हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। दोस्तों, तीन चार दिन मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। एक्चुअली चोट लगी थी मेरे को ये पर्टिकुलर ये वाले जगह में, और उसकी वजह से अगर मैं तेज सांस ले रहा था या फिर ज़्यादा बात कर रहा था तो मुझे अच्छा खासा दर्द हो रहा था, तो वीडियोज़ एंड स्ट्रीम्स में नहीं कर पाया। बट कोई बात नहीं, अब मैं काइंड ऑफ 75-80% ओके हूँ, फिट हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं। एंड फ्री टू प्ले सीरीज जो हमारी थी वो भी हमारी वापस आ चुके हैं। आज हमारे पांचों के पांचों बिल्डर्स फ्री हैं, तो क्या लगाएंगे उन पर डिस्कस करेंगे। अटैक्स जो है हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। इवन मैं टाउन ऑफ 14 मैक्स बेसिस को बीट कर रहा हूँ। दो में टाउन ऑफ 13 का ही ऑफेंस है मेरे पास, सिर्फ बारबेरियन किंग जो है मेरा 76 का है। बट हम लोग बहुत ही मजे कर रहे हैं, राइट। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स करेंगे, तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। बट अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइज। एंड अगर हो सके तो एक चुम्बेश्वरी सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं ऊपर चैनल की मेंबरशिप लेके, बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा मेरे लिए एंड मेरी फैमिली के लिए, तो डू कंसिडर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ करना है हमने, एक बार चेक करते हैं कि हैमर अवेलेबल है या नहीं। यस, तो एक हमारा हैमर ऑफ हीरो जो है वो अवेलेबल हो चुका है, तो उसको हम पहले क्लेम कर लेंगे। और उसको हम अभी तो फिलहाल हम किंग पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट लेवल भी मैंने किंग को ही अपग्रेड किया था 76। अच्छा, जब मैं वीडियोस नहीं बना रहा था ना, तो कुछ चीज़ें जो थी मैंने शायद मिस कर दी होंगी। सबसे पहली बात मेरा ब्लैक स्मिथ, यस, तो मैंने जायंट गॉन्टलेट जो है वो लेवल 21 कर ली, फायरबॉल लेवल 20 कर लिया। अब मैं और सेव कर रहा हूँ फर्दर फायरबॉल और जायंट गॉन्टलेट अपग्रेड करने के लिए। एंड अभी तक मैंने मैजिक मिरर जो है उठाया नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कंप्लीट होने वाले हैं, बट मैजिक मिरर अभी के लिए फिलहाल अपग्रेड नहीं हो पाएगा इस वाले अकाउंट पे। कोई नहीं, आने वाले टाइम पे वो भी अपग्रेड करेंगे। अभी सबसे पहला जो हम काम शुरू करेंगे वो है किंग को अपग्रेड करने से। तो यहाँ पे किंग पे एक बुक जाएगा, सॉरी हैमर जाएगा, हैवी गोम। एंड नेक्स्ट लेवल के लिए मेरे पास इनफ डार्क एलिक्सिर नहीं है, बट देखते हैं। अभी मेरे पास बहुत जगहों में रिसोर्स मैंने रखा हुआ है, तो वहाँ से हम उठा सकते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक बुक ऑफ हीरो है, क्लेम करते हैं। यहाँ पे 20,000 डार्क है, दैट्स ग्रेट। 10,000 वाला डार्क मैंने क्लेम कर लिया था शायद से, ओके, सो 10,000 वाला मैंने क्लेम कर लिया था, कोई नहीं, वी आर क्लोज आई थिंक। और 10,000 के आसपास डार्क चाहिए जो हम अटैक से उठाएंगे। थोड़ा सा ट्रेजरी में है जो हम उठा सकते हैं, रियर, ओके, हो गया यहाँ पे, नाइस। चलो तो फिर किंग को अपग्रेड कर लेते हैं एंड बुक से किंग को फिनिश कर लेते हैं। 78 का किंग हो चुका है। पहले हम किंग मैक्स करेंगे, देन हम वार्डन करेंगे, क्वीन हम बाद में करेंगे। क्वीन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है अभी, जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उस पर किंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो सेकंड चीज़ जो मैं करने वाला था, मैंने आपको बताया था गाइस कि हमने 6 बिल्डर जो है वो जल्द से जल्द अनलॉक करना है, और उसके लिए मेरे पास इनफ जो है लिग्जिर आ चुका है। तो हम आज अपना बैटल कॉप्टर जो है उसको अपग्रेड पर लगा देंगे। तो हमारा बैटल कॉप्टर अब 21 पे जा रहा है और हमारा जो बैटल मशीन है वो 22, मतलब इसके बाद और दो लेवल्स बचते हैं। तो देखते हैं जल्दी जल्दी दो लेवल्स का और जुगाड़ करते हैं, और जैसे वो हो जाएगा वैसे हमारा 6 बिल्डर भी अनलॉक हो जाएगा, तो हमारा अपग्रेड जो है वो थोड़ा प्रोग्रेस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, राइट, वो हमें हेल्प करेगा। अब आती है नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा लिग्जर है, तो कहीं ना कहीं हम इसे यूज़ करेंगे डेफिनेटली। मैंने आपको बताया था कि मैं स्टोरेज पर काम कर रहा हूँ, तो वही करेंगे। स्टोरेज, एक एक स्टोरेज मैं लगा दूंगा, एक गोल्ड स्टोरेज और एक एलिक्सिर स्टोरेज, ठीक है। चलो सीक्वेंस जो मैंने बोला वो नहीं हुआ, बट आप समझ गए होंगे, एक गोल्ड और एक एलिक्सिर, ठीक है। तो दो दो के नंबर्स पे हम अभी अपग्रेड करेंगे। सारे अभी एक साथ अपग्रेड नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि डिफेंस भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, राइट, ओके। एक बात और, हमारा जो आउल है वो अनलॉक हो चुका है, अब याक एंड देन हमें फाइनली यूनिकॉर्न अनलॉक करना है। तो चलिए अब हम अपना पेट हाउस जो है वो अपग्रेड पर लगा देते हैं। अब हमारे अभी भी दो बिल्डर्स फ्री हैं, एक बिल्डर तो मैं फ्री रखता हूँ वॉल्स के लिए, एक और बिल्डर हम कहीं पे लगाएंगे वो हम फिगर आउट करेंगे थोड़ी देर बाद में। उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिसोर्स पड़ा है हमारे पास, एलिक्सिर और क्या पड़ा है मेरे पास, थोड़ा सा और एलिक्सिर पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है थोड़ा सा, हीरो पोशन अभी नहीं, पावर पोशन अभी है मेरे पास, सुपर पोशन, ठीक है। इन चीज़ों को हम सेल करके थोड़े जेम्स इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। सुपर पोशन ना, क्योंकि अटैक्स तो मैं लेता हूँ, फार्म तो मैं कर ही लेता हूँ। पावर पोशन में भी मैं यूज़ कर सकता हूँ जब मैं वॉर वगैरह में खेलता हूँ, बट अभी फिलहाल स्टोरेज फुल है तो फिर कोई मतलब नहीं है यूज़ करने का, नॉर्मली यूज़ करने का तो कोई मतलब है नहीं। चलो इनको मैं जेम्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जेम्स बाद में काम आएंगे कहीं ना कहीं, राइट, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अभी हमारे पास एक और बिल्डर फ्री है, एक्चुअली टेक्निकली दो बिल्डर फ्री है बट एक ही रखेंगे हम। तो चलिए अब अटैक में चलते हैं, थोड़ा सा हम और रिसोर्स जो इकट्ठा करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक डिफेंस अपग्रेड लगा दूँ, स्कैटर या फिर ईगल 15 का है, स्कैटर जो है वो ईगल लगा सकते हैं, राइट। चलो एक अटैक मारते हैं सबसे पहले, ओके। सो गाइज लेट गो, यहाँ पे कमाल का क्रेजी लूट मिला। अगर आप देखोगे तो एक मिलियन से ज्यादा गोल्ड एलिक्सिर है और ऑलमोस्ट 8,500 के आसपास डार्क एलिक्सिर है। कैसे करेंगे, सबसे पहले थोड़ा बेस को अच्छे से चेकआउट करते हैं, ओके। आई थिंक
यहाँ पे ईगल वगैरह सब मिल रहा है, बट फिर ठीक है यही करते हैं, लेट्स गो इनविज वार्डन एबिलिटी। ओके एक अर्थक्वेक, परफेक्ट। अब वार्डन को कुछ सेकंड्स देते हैं, आउल भी हमारा अनलॉक हो गया जैसे मैंने आपको बताया, वो भी एक अच्छी बात है। ये स्टोरेज जो है, लिख दी स्टोरेज जो है वो पहले वार्डन निकाल ले, दो मैं यहाँ पे ड्रुइड ड्रॉप कर रहा हूँ। लेट्स गो विद द सुपर विचेस अप्रेंटिस वार्डन, एक और ड्रुइड आ जाएगा यहाँ पे, लेट्स ड्रॉप द क्वीन। यहाँ पे अपना सीज बैरक आ जाएगा, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर आ जाएगा, दैट्स ग्रेट, एंड यहाँ पे एक ड्रुइड और आ जाएगा, परफेक्ट नाइस। ओके अरे मैंने किंग को वहाँ पे निकालने के लिए वो ड्रॉप किया, बट किंग तो ऑलरेडी टाइट है, फिश हो गई थी किंग की। ओके नाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, ये बेस भी डिसेंटली अपग्रेडेड है, मतलब इसके क्या बोलूँ मैं, टाउन हॉल अच्छे से अपग्रेड है, लेवल 5 का है, एंड देन स्कैटर्स अपग्रेडेड हैं, बट ऐसे बेसिस भी इजीली निकल रहे हैं विद दिस आर्मी, राइट। तो ये आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिकमेंड करूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि आप ये यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। अभी तक हम सब सही जा रहे हैं, कोई स्पेल्स वगैरह यहाँ खर्च करने की मुझे खास ज़रूरत दिख नहीं रही है। एक हेड हंटर है हमारे पास जो हम अभी सेव करके रखे हुए हैं, लेट्स अर्थक्वेक दिस, यहाँ पे पॉइजन कर देते हैं, एक हेड हंटर आया वो भी आ जाएगा यहाँ से, पॉप ऑफ द किंग एबिलिटी, परफेक्ट। यहाँ पे जंप कर लेंगे और रेज कर लेंगे ताकि जल्दी हम टाउन हॉल पॉइजन से बाहर आ जाए, एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, कितनी ईजिली हम इस बेस को बीट कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास हीरो एबिलिटीज पड़ी है, स्पेल्स पड़े हुए हैं, एंड मैं इवन अभी जैसे मैंने बताया ऑफेंसिवली मैं टाउन हॉल 13 ही हूँ, थोड़े से अपग्रेड किया मैंने, बहुत ही कम चीज़ें जो अभी तक अपग्रेड कर पाया हूँ, बट रिजल्ट्स जो है वो आप देख सकते हो। फायरबॉल के साथ अभी आर्मीज जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग जा रही है, आप चाहे कुछ भी यूज़ करो, अगर आप सुपर बॉलर्स यूज़ कर रहे होगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं जैसे मास ड्रुइड खेलता हूँ वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको ला के देगा। इवन कि अगर आप जैसे येटीज़ खेलोगे, येटीज़ और वैल्क्रीज भी खेल सकते हो, मैं भी ट्राई कर रहा था थोड़ा टाउन हॉल 13 और टाउन हॉल 12 पे, तो वो भी डिसेंट वैल्यू जो है आपको निकाल के देता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, चलो फटाफट हम एक काम करते हैं, क्वीन, अरे हैं ये क्या सीन है भाई, मेडल कम कैसे पड़ रहे हैं मेरे, ओ मैंने कुछ लिया था 650, हाँ हो जाएगा, वही मैं सोचूं मैंने कुछ लिया था शायद, क्या लिया था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ओ अच्छा मैंने स्टारी ओर्स लिया था एक, या ग्लोई ओर्स, शायद ग्लोई ओर्स लिया था, कोई बात नहीं, अभी हम बोनस ट्रैक खेलेंगे तो हमें बाकी का भी मिल जाएगा, तो इक्विपमेंट मिल जाएगी हमें, पर थोड़ा सा भाई डर लग गया था मुझे कि ये क्या हो रहा है। ओके चलो अब फटाफट, जैसे मैंने बताया कि एक डिफेंस अपग्रेड पे लगाऊंगा, तो मैं प्लान कर रहा था जैसे कि ईगल लगा सकते हैं, स्कैटर लगा सकते हैं, इन्फर्नोज, ये सारे इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स है, तो मैं ईगल लगा देता हूँ वन टाइम अपग्रेड, एक बार अपग्रेड हो गया तो अच्छा है। वैसे ईगल को कौन ही पूछता है आजकल, तो ईगल की इतनी खासा वैल्यू रही नहीं है पहले जैसी, बट फिर भी कुछ तो लगाना है, तो यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, एंड देन एक अटैक हम और लेंगे क्योंकि हमें रिसोर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीन दिन के लिए बिल्डर्स फ्री हैं, तब तक मैं वॉल्स करता रहूंगा, ये नए वॉल्स जो है वो भी मैंने डिसेंट अपग्रेड कर लिए हैं, सो लेट्स गो। ओके गाइज ये बैक अगेन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा लूट यहाँ भी है, बेस भी डिसेंट है, तो चलिए देखते हैं क्या इसे हम ईजिली क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आई थिंक ईजिली क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा आई थिंक हम यहाँ पे इन्वेस्ट करके, अगर वार्डन यहाँ पे ड्रॉप करके अगर फायरबॉल लेते हैं तो परफेक्ट नाइस, एक अर्थक्वेक से बाकी काम निपट जाएगा। अब मुझे दो अर्थक्वेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एक अर्थक्वेक से निकल जाता है। अच्छा ईगल और स्कैटर देखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो अगर एक अर्थक्वेक से वो भी निकल जाता है तो बहुत सही है, फिर उसके बाद मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉल ब्रेक करेंगे, यहाँ पे हमारा सीज बैरक आ जाएगा, अभी भी मेरा वार्डन सेफ है तो मुझे कोई ड्रुइड वगैरह ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक करेंगे हम, एंड देन लेट्स वॉल ब्रेक, यहाँ पे दो ड्रुइड यहाँ आ जाएगा, एंड देन हमारे सुपर विचेस आ जाएंगे, परफेक्ट। किंग आएगा, अच्छा मैंने दोनों वॉल ब्रेकर्स यूज़ कर लिए ना, ठीक है कोई बात नहीं, किंग उस तरफ जा रहा है तो मेरी क्वीन इस तरफ आ सकती है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। दो ड्रुइड इधर और सेंड करता हूँ मैं, एक अर्थक्वेक यहाँ सेंड कर देंगे, एक हेड हंटर यहाँ, एक हेड हंटर यहाँ, एंड नाइस गोइंग ग्रेट, पॉइजन कर देते हैं एनिमी क्वीन को, परफेक्ट नाइस, सही जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक जंप कर लेंगे, वी आर गोइंग ग्रेट भाई, क्या ही जा रहे हैं, अभी तक मैंने आरसी ड्रॉप नहीं करी है, मुझे लगता भी नहीं मुझे आरसी की ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर है आरसी तो वाई नॉट, राइट। ओके
सो अटैक हमारा बहुत ही ऑसम जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास स्पेल्स की कोई कमी नहीं है, तो स्पेल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक फ्रीज और करेंगे, लेट्स रेज दिस एबिलिटी, परफेक्ट। क्वीन की एबिलिटी ले चुका हूँ, नहीं अभी है, चलो एबिलिटी ले लेते हैं। और कितना फास्ट हो रहा है भाई, भाई अभी तो बेस देखते ख़त्म हो गया, अभी भी हमारे पास इतना टाइम बचा है। किंग की एबिलिटी ले लेते हैं यहाँ से, लेट्स गो भाई साहब, मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। ओके सो आई होप गाइज आपको ये स्ट्रेटजीज जो है मैं जो शेयर करता हूँ आपको फायरबॉल रिलेटेड आपको अच्छी लगती होंगी, आप लोग ट्राई करते होंगे। और टाउन हॉल 14 में तो ये एक लेवल पे जा रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है मुझे। बहुत टाइम से मैं टाउन हॉल 14 खेल ही नहीं रहा था, बट चलो अच्छा हुआ ये काउंट को मैंने टाउन हॉल 14 किया। अब धीरे धीरे और अपग्रेड जो है हमें करने पड़ेंगे, हमारा लैब भी फ्री हो रहा है 2 दिन में, उसके लिए हमें रिसोर्स जुगाड़ जो करना पड़ेगा। क्या करूंगा नेक्स्ट अपग्रेड अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ जैसे ड्रुइड्स तो अपग्रेड नहीं होंगे, ओके होंगे तो ठीक है, ड्रुइड को अपग्रेड करेंगे नेक्स्ट, राइट। ओके सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे मैंने पहले भी कहा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल की मेंबरशिप लेकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एज ऑलवेज जय हिंद बाय। स्ट्रीम्स आएंगी 3 के आसपास आती है ना, याद रखना, बाय।